बाहर के तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहे। उस लिहाज से हीरा व्यापार केंद्र के रूप में इसे विकसित करने के पीछे मंशा यही है, और हम कह सकते हैं कि मकसद यही है कि किस तरह से हम मॉडर्न डायमंड जेम्स एंड ज्वेलरी मार्केट को आधुनिकता के लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक नई पहचान, और खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग करने वाले जो तमाम बिजनेसमैन हैं उन्हें एक अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दिया है। और इसे जब हम परोक्ष तौर पर अगर बात करें तो रोजगार के मोर्चे पर भी मदद मिलती है। कई ऐसे अलग अलग जो स्तर हैं डायमंड पॉलिशिंग कटिंग, उसमें लोगों को परोक्ष तौर पर रोजगार मिलने की भी लगातार बात जताई जा रही है। और एंटरटेनमेंट एरियाज, क्लब, ट्रेनिंग सेंटर, एग्जीबिशन सेंटर से जो एक अतिरिक्त आय का स्रोत है वो भी निकलता हुआ समझ में आता है। तो आप देखिए कि एक पन से दो काज हो रहे हैं जिसमें हम अब बिजनेस लेवल की बात तो कर ही रहे हैं डायमंड इंडस्ट्री में, वहीं हम बात कर रहे हैं कि कैसे लोगों को रोजगार भी मिले। हमारे साथ विशाल बैरिस्टर जुड़ गए हैं। विशाल, जिस अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं जिसके ऊपर इस सूरत डायमंड बोर्स का निर्माण किया गया है, अगर इसकी तमाम विशेषताओं को देखें तो विश्व में अपने आप में अलग और अनूठा है ये। बिल्कुल ठीक कहा आंचल आपने। ये जो आप बात कर रही हैं बोर्स की, जिसे अंग्रेजी में BOURSE लिखा जाता है, लेकिन ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका उच्चारण है बुआ, और इसका मतलब होता है एक स्टॉक मार्केट, एक मार्केट प्लेस। और हीरों की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए ये एक सबसे बड़ा बाजार होगा खरीद फरोख्त के लिए। और